जजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने भाजपा पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पार्टी अधिकारियों से दबाव दिलाकर लोगों को पार्टी ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर रही है। निशान सिंह ने कहा कि भाजपा ने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर दी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए सरदार निशान सिंह ने कहा कि बीजेपी पार्टी SHO, DSP और ADC जैसे अधिकारियों को बोलकर लोगों को पार्टी ज्वाइन करने के दबाव बनाती है। ऐसे बहुत से व्यक्ति उनके पास आते हैं जो बताते हैं कि अधिकारियों ने भाजपा ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। आपको बता दें कि JGP प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह हिसार में आज गगावा वासियों द्वारा एक रेप के मामले में दिए जा रहे धरने को समर्थन देने हिसार पहुंचे थे। कुलदीप बिश्नोई पर बोलते हुए सरदार निशान सिंह ने कहा कि इनकम टैक्स EDC या CBI कोई भी एजेंसी हो उसे अपना काम करना चाहिए, लेकिन वह एजेंसी सरकार के दबाव में अगर काम करे तो वह गलत है। कुलदीप बिश्नोई के घर इनकम टैक्स की छापामारी के बारे में कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरदार निशान सिंह ने कहा कि सरकार दूसरी पार्टी के नेताओं को जबरन झुकाने की कोशिश कर रही है। कुलदीप बिश्नोई के ऊपर लगातार छापे पड़े हैं, उसके बाद सूचनाएं ये भी आई है कि 200 करोड़ से ज़्यादा की हर संपत्ति जो विदेशी है, कई देशों में उनकी मिली। हालांकि इस तरीके की कुछ खबरें अभी तक हैं। देखिए किसके पास कितनी संपत्ति है, ये सरकार का काम है, इनकम टैक्स का काम है, क्या वो उसका टैक्स देता है या नहीं देता, वो अवैध है या वैध है, संपत्ति नामी है बेनामी है, ये इनकम टैक्स का काम है पता करना। हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने देना होता है। हम तो ये कहेंगे जहाँ कानून अपना काम करता है, इनकम टैक्स के लोग अपना काम करते, ED के लोग अपना काम करते हैं, CBI के लोग अपना काम करते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो सरकार से प्रभावित होकर के करते हैं तो उससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। देखिए कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के नेता हैं, हम JJP के लोग हैं, लेकिन जहाँ तक इंसानियत की बात है, जहाँ तक देश के अंदर कानून कायदे की बात है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई मेलाफाइट टेंशन से सरकार किसी को झुकाने के लिए अगर ऐसा काम करती है तो उसकी हम ज़रूर निंदा करेंगे, वो चाहे कांग्रेस के व्यक्ति के खिलाफ हो, चाहे किसी भाजपा के व्यक्ति के खिलाफ हो, चाहे किसी और के खिलाफ हो। मैं ये मान के चलता हूँ सरकार का आज के दिन जो रवैया है वो इस तरीके का है। मैंने टोहाना में देखा कि व्यक्ति आकर के कहता जी SHO कह रहा था कि भाजपा ज्वाइन कर लो, व्यक्ति आकर के कहता जी DSP कह रहा था भाजपा ज्वाइन कर लो, व्यक्ति आकर के सरपंच कहता मैं ADC के पास काम गया था और ADC कहता है कि भाजपा ज्वाइन करो। इसका मतलब थ्रेटनिंग अधिकारियों से लोगों को उनका धर्म बदलने के लिए, धर्म बदलने के समान हम कहते हैं जो किसी पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है अगर दबाव में उसको पार्टी बदलने के लिए कहा जाता है तो ये प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता, ये जाति कही जाएगी। ऐसे धर्म परिवर्तन तो तब होते थे जब हमारा देश गुलाम होता था, मुगलों का राज था, अंग्रेज का राज था, वो अपनी बात को डंडे से मनवाया करते थे। तो मैं इस बात की निंदा करूंगा अगर इस तरीके से किसी को झुकाने का प्रयास किया जाता है तो वो प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है। मैं ये मान के चलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो जितना भी इनका काम करने का तरीका है वो कहीं, जब श्रीमती इंदिरा गांधी का तरीका हुआ करता था सरकारें तोड़नी, सरकारों को दबाना, इनका एक ध्येय बन गया है कि दुनिया कर लो मुट्ठी में। मैं ये कहूँगा कि सिकंदर गए थे दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए, लेकिन रास्ते से वापस आना पड़ा। ये जो प्रकृति का नियम है उसको नहीं तोड़ सकते, लोगों को नहीं झुका सकते। प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष का भी उतना ही अहम रोल है जितना सत्ता पक्ष का है। तो मैं ये सरकार को भी बताना चाहूँगा कि दूसरी पार्टी के नेताओं को गलत तरीके से झुकाने का या जलील करने का प्रयास ना करें। आयोग के उपाध्यक्ष हैं चौधरी रणजीत सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। कल सिरसा में उन्होंने एक बयान दिया है कि कांग्रेस महागठबंधन की तरफ बढ़ रही है, इस तरीके के कयास हैं, उसमें INLO भी शामिल होंगी, JJP से भी बात चल रही है और बसपा भी। देखिए वो उनका बयान है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमने तो पहले से कहा है विपक्ष के लोगों को कि आज जिस तरीके से जातियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से दुनिया को मुट्ठी में करने का प्रयास है मोदी जी का, कहना कुछ है करना कुछ है, आम आदमी परेशान है, लोगों का धर्म परिवर्तन इस तरीके से करवाना गलत है, उसके लिए विपक्ष जो समान विचारधारा का विपक्ष है उसको जरूर इकट्ठा होना चाहिए। तो समान विचारधारा में INLO भी शामिल है? देखिए नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता, उनका विचार है चौधरी रणजीत सिंह जी का।
हम हमारी जो समान विचारधारा के लोग हैं उनसे बात करें। अगर जेजेपी की बात करें तो समान विचारधारा में जेजेपी किन किन को मानते हैं? देखिए ये सब बैठकर करने की बातें हैं, दुष्यंत जी से बैठकर के सारी बात करेंगे। हमने पहले आम आदमी पार्टी से हमारा गठबंधन रहा है, अगर वो हमने कहा था कि कंटिन्यू करते हैं तो उनके साथ रहेंगे। इसी तरीके से और पार्टियां हैं हमारी विचारधारा की, उनसे बैठ करके बात करेंगे। उनसे बात किए बिना कुछ कहना मेरा ख्याल है कि वो सही नहीं होगा। आज गंगुआ गांव का समाज और छत्ती बरादरी का समाज अन्य गांव से इलाके भर से यहां बैठा हुआ है। खासकर रिबारी बरादरी की बच्ची को किसी गुंडा अंसर द्वारा प्रताड़ित किया गया है, और इन्होंने जब पुलिस के पास अपनी बात कही और पुलिस को ये कहा कि ये गुंडा आदमी हमारी बेटी को परेशान करता है, उस लड़के को पकड़ करके पुलिस को देने का काम किया, जहां इनके हक में पर्चा दर्ज किया, अगले दिन प्रभाव में आकर के किसी दबाव में आकर के पुलिस ने उस लड़के के हक में इनके खिलाफ़ पर्चा दर्ज कर दिया कि आपने पैसे भी खोसे हैं, किडनैप भी किया, इसको बंधक बना करके रखा है। मैं मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे देती है, लेकिन यहाँ जो बेटियों को परेशान करने वाले गुंडे हैं, जो सभ्य समाज को परेशान करते हैं, उनकी बेटियों को तंग करते हैं, यहाँ भाजपा सरकार उन गुंडों की मदद करती है। DSP ने इनको बुला करके पूरा दिन प्रताड़ित किया, लड़की के साथ पूरी पंचायत गई, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक बिठाया और धमकाया DSP ने इनको कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इस लड़के को पकड़ने की, इसका मतलब है ये उस लड़के को छोड़ दिया जाए, गुंडों को छोड़ दिया जाए, वो DSP समेत सभी समाज की बेटियों को परेशान करें, तब DSP साहब को पता चलेगा कि ये पीड़ा कैसी होती है बच्चियों के बाप की, बच्चियों के परिवार की। मैं मान के चलता हूँ कि आज इस समाज को हम पार्टी की तरफ से, हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय बांडाईडी साहब भी खड़े हैं और भी सभी साथी हैं, आज समर्थन देने के लिए आए हैं कि हमारा JJP का समर्थन है इस गुंडागर्दी के खिलाफ। अगर सरकार ने इनके खिलाफ पर्चा जो है वो रद्द नहीं किया और इन लोगों का जो पर्चा है, इनकी जो कंप्लेंट है, उस दोषी लड़के के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार के खिलाफ और लोगों को, बच्चियों को न्याय देने के दिलवाने के लिए हम रात दिन एक करने का काम करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।